जय मसीह। मैं बंबई से बोलती हूँ, जय श्री महाजन। मेरी गवाही ये है कि मुझे 7-8 साल से मेरी आंखों से दिखता नहीं था, तो मैंने थैंक्स यीशु से रिक्वेस्ट भेजी, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मुझे बहुत फर्क पड़ा है। और मैं थैंक्स यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, उनका आदर महिमा करती हूँ, उनकी प्रशंसा करती हूँ। धन्यवाद यीशु, जय मसीह। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं माधुरी शर्मा बोल रही हूँ जटा बाजार से। मेरे लड़के का नाम है करण शर्मा, 5 में पढ़ता है, 10 साल का है। मेरे लड़के का इतना तबीयत ख़राब हो रहा था 3 महीने से कि उसका नस बैठ जा रहा था, उसके हाथ पांव पूरा ठंडे पड़ जा रहे थे और किसी को पहचान नहीं पा रहा था, ना किसी को कुछ कह पा रहा था और चिल्लाने लगता था। और उसके सिर में भी दर्द, हर जगह से सीसी स्कैन करा के, हर चीज़ जांच करा के उसको थक गए थे, दवा करा के और जहाँ भी बोले थे यहाँ दिखा दो वहाँ दिखा दो, किसी सूखे के पास वहाँ भी दिखाएं, वहाँ भी दिखा के आते थे, 2 दिन रहते थे। उसके बाद फिर से लड़के का हमारा तबीयत ख़राब हो जाता था, तो किसी बहन ने हमको बताई है कि आप जाइए पिता परमेश्वर में, आपका लड़के का तबीयत सही हो जाएगा। कोई भी कष्ट होगा, चाहे कारण हो या दुख हो या कुछ भी हो, चाहे बीमारी हो, वो सब आपका लड़के का सही हो जाए। आप वहीं पर जाइए पिता परमेश्वर में, हालेलुया में। तो हमने भी वही सुने तो गए हालेलुया वहाँ गोबरैया। तो जब 3 संडे हो रखा है, 3 संडे में वहाँ पर जल और दवा मिलता है, तो जल 2-3 टाइम लड़के को बोलते हैं कि बेटा हमारा पी ले, और दवा उसके सिर में पूरा शरीर लगाते हैं। तब से हमारा लड़का एकदम सही है और खेलता है कूदता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्कूल पढ़ने जाता है, स्कूल से पढ़ के आता है तो घर पर भी खेलता है, खेलने के बाद अपना काम स्कूल का होमवर्क करता है। तब से हमारे लड़के का तबीयत सही है। पिता परमेश्वर का आप भी मानिए, आपका भी हर कष्ट हर दुख आपका भी दूर होगा। हालेलुया आमीन। जय मसीह दी पास्टर जी, मेरा नाम हरजिंदर कौर है और मैं पंजाबी हूँ। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, दिल्ली में रहती हूँ मैं और मेरी शादी हो चुकी है। मेरे पति का नाम सतनाम सिंह है। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, आज मैं पिता परमेश्वर की, यीशु मसीह की गवाही देना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत परेशान थी। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद ही मैं बहुत बीमार रहने लग गई, मेरी तबीयत नहीं ठीक होती थी। जो गंदी ताकतें होते हैं, शैतान होते हैं, वो मेरे साथ में लग गए थे, मेरे पैरों में फिर गए थे, जिस वजह से मैं, मेरे पति, मेरा परिवार, हम लोग बहुत परेशान रहने लग गए। मैं हर जगह गई, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर दरगाह मैंने अपना इलाज कराया, पर मुझे कहीं से आराम नहीं हुआ। मैंने बहुत पैसे लगाए, मेरे पैसे भी काफ़ी बर्बाद हुए। इधर किसने कहा कि इतने पैसे दो, किसी ने कहा इतने पैसे दो, तुम्हारा ये उतारा होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो। मैंने बहुत, हर जगह हम लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं आया। फिर मुझसे किसी ने कहा कि मैं अगर पिता परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना करती हूँ, उनकी दुआ करती हूँ, उनकी फास्ट रखती हूँ, उन्हें मानती हूँ, उन पर विश्वास करती हूँ, तो मुझे पिता ज़रूर चंगा करेंगे, मुझे ज़रूर ठीक करेंगे। तो मैंने चर्च गई, मैंने चर्च जाना शुरू किया, पिता की प्रार्थना सुननी शुरू की, उनके सामने अपना सिर झुकाया, मैंने दुआ करनी शुरू की, उनका फास्ट रखना शुरू किया, तो पिता ने मुझे अपना आशीष दिया। आज मैं गवाही देती हूँ कि आज मैं चंगी हुई हूँ, ठीक हुई हूँ, तो सिर्फ यीशु मसीह पिता परमेश्वर की वजह से। मैं सबको यही कहती हूँ कि किसी को भी कोई भी दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उनके लिए फास्ट रखिए, आप उनसे सुबह शाम प्रार्थना कीजिए, उनको मानिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। मैंने भी विश्वास किया, उनको माना, उनको समझा, उनके वचनों को पढ़ा, तो आज मैं अपने परिवार के साथ खुश बैठी हूँ, ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। आज मेरा परिवार वैसे खुशहाल से भरा हुआ है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप सबको शेयर करें, सबको बताएं कि किस तरह से यीशु मसीह की अगर प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर को अगर हम माने, तो वो कैसे हमें अपने आशीष देते हैं। बस इसी के साथ मैं अब अपनी शब्दों को आराम देती हूँ। जय मसीह दी।